run. भागो भागो यू गो जल्दी मम्मा लोग यार सब लोग इसमें आ जाओ जल्दी गो हिया सेफ्टी हाय शर्म आनी चाहिए तुमको बशरंगी तुमने सिर्फ एलेक्स को ही नहीं हम सबको फिर से धोखा दिया कसम बशरंग भले की शर्म बशरंगी मुझे ना तुम पे भरोसा है तो तुम्हारी कसम पे अरे आप हमें समझत नहीं हम आपसे कहा था क्या कुछ मत कहो यू शट अप देखा ये बोला था ये बोला था है तुम बोल सकते हो एलेक्स हाँ आप लोग भी यही चाहते हैं ना कि मैं बोलूं अबे हम तारीफ बोलती बंद कर देंगे दुश्मन को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देना दुश्मनों को यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे डॉग इन साइट ईसा भी नोटा के वजह से हो रहा है मी ऑफ कोर्स इट्स ऑल बिकॉज़ ऑफ मी मैंने कहा था उस मधुमक्खी के छत्ते को हाथ लगाओ मैंने कहा था बकर जी को कि अपना पिछवाड़ा लगाओ आई से किस चलो बिल्ली हुआ उन लोगों ने हमें नहीं देखा वो सब तो ठीक है पक्का जी पर एलेक्स और बजरंगी कहाँ होंगे समझ में नहीं आता आखिर वो दोनों कूदे क्यों नहीं Why didn't you jump? तुम कूदे क्यों नहीं बजरंगी भाई मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना यही तो कहत रही मैडम सच कहत रही बिल्कुल सच कहत रही मैं भी कितना बेवकूफ था इस बात से नाराज था कि तुमने मुझे किसी इंसान के घर से छीना लेकिन भूल गया कि इंसानों ने तुम सबका घर छीन लिया और मैं फिर भी हर मोड़ पर तुम लोगों की मदद करने से भागता रहा आई एम सॉरी बज तुम काहे सॉरी बोलत हो एलू गलती तो हमार है तुम हमार मदद करे के खातिर ही आए और हम तो का ही टपकवाए के बारे में सोचने लगे पर सच बोले बाबू जो मजा तो का मारे के सोचने में नहीं आया ना वो मजा तो का इस बार बचाने में आई गवा
तो हमार तब सूखा रहा जब हम लाखन डाकू के अड्डे से चिलम चुराई के पिए रहे राजा। क्या है ना बज्जू, नॉर्मली आई ओनली ड्रिंक बिस्लरी, पर आज इतनी प्यास लगी है क्या कॉम्प्रोमाइज। चलो चलो हम तो हार वास्ते पानी ला। अरे नहीं बाबू, पानी हमका लावंदे। अरे कमांड डूड, तू हमार बेस्ट फ्रेंड है कि हम तो हार बेस्ट फ्रेंड है बे? तू हमार बेस्ट फ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड जो कहत है तो का सुने के पड़ी, समझ लो। पानी रे पानी तोरा रंग कैसा, हर जिसमें मिले तो उस रंग जैसा। अच्छा हुआ बेगम मैडम आप आ गए, वरना ये तो हमको खा गए। प्यास मुझे टाइगर भाई, मुझे कुछ टाइगर नहीं बिल्ली हूँ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ। टाइगर भाई, इंसानों का बस चले तो वो सारे टाइगर एक एक करके मार दे। मैं मरना नहीं चाहता था, इसलिए उनसे बचने के लिए मैं एक बिल्ली की जिंदगी जीने लगा, और खुद को बिल्ली कहते कहते मैं टाइगर की जिंदगी जीना ही भूल गया। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं डरपोक हूँ। हाँ मैं डरपोक हूँ, लेकिन मैं डरपोक हूँ इसलिए शायद अब तक किसी शिकारी के घर की दीवार पे टंगा नहीं हूं। आप डरपोक नहीं, आप तो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मैं कर रहा था दिल्ली न जाने के बहाने ढूंढकर। लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये मिशन सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं बल्कि हर उस जानवर के लिए है जो अपने घर में डर के जी रहा है। ठीक कहा दैलू, तू पहुंचाई दे हम लोगों का मुद्दा इन लोगों तक। हम लोग दिल्ली नहीं जाएंगे, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। पागल हो गए थे हम जो इंसान को इंसानियत सिखाने की सोच रहे थे, एक इंसान की शिकायत दूसरे इंसान तक लेके जा रहे थे। अरे वो सब एक जैसे हैं, क्रूएल एंड हार्टलेस, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, तुमको मुझको इस यूवी को मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं यूवी को लेके जा रही हूँ, तुम लोग भी भाग जाओ, हम दिल्ली नहीं जाएंगे, कोई दिल्ली नहीं जाएगा। मुझे किसी को बुलाना होगा, एक वही है जो मामा को मना सकते हैं। देखो मामा, पापा वो आपसे मिलने आए हैं, मैं कहता था ना कि वो आएंगे। देखो वहाँ कोई नहीं है यूवी, अब बस करो, तुम्हारे पापा ना ही कभी आए थे ना ही कभी आने वाले हैं। नहीं मम्मा, पापा यहाँ है, देखो ना, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे? नहीं मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है आंटी जी, देखो सुल्तान मुझे दिखाई दे रहा है। यस यस आंटी जी, आई एम टेलिंग यू, देखो। लेकिन वहाँ नहीं, यहाँ यूवी में, डोंट यू सी, इसकी हिम्मत में, वो हिम्मत जो हम सबको यहाँ तक ले आई। मुझे सुल्तान नजर आ रहा है बजरंगी और एलेक्स की इस दोस्ती में, ऐसी दोस्ती जिसे दुश्मनी को पीछे छोड़ दिया। मुझे सुल्तान नजर आ रहा है बेगम जी, आप में, आपके प्यार में अपने बच्चे के लिए। ये हिम्मत, ये दोस्ती, ये प्यार, यही सब चीजें थी जो सुल्तान को सुल्तान बनाती थी। कौन कहता है कि सुल्तान दिखाई नहीं देता? सुल्तान आज भी हमारे साथ है। यस ही इज राइट हियर। अब तक मैं खुद नहीं जानता था कि मैं इस सफर पे क्यों आया हूं, क्या जरूरत है मेरी यहां पे, सिर्फ हंसी मजाक। अब मुझे पता चला है, शायद मेरी जरूरत यहां इसलिए थी ताकि सिर्फ ये बच्चा नहीं, हम सब सुल्तान को देख सके।
तुम आगे बढ़ते चलो, अब दिल्ली दूर नहीं। हो तुम आगे बढ़ते चलो, अब दिल्ली दूर नहीं। कह रहे हैं हौसले डालेंगे डेरा यही। Yes, लेकिन अब क्या करें, अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है। हमारे पास एक प्लान। अच्छा ठीक है, तुम कहो पहले आप। नो 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 नो, गो अहेड, पहले आप। नहीं पहले आप। नो वे, पहले आप। नहीं नहीं तुम कहीं दो, पहले आप। पहले आप। अबे कह रहा हूँ जा पहले आप। ओह शट अप द टू ऑफ यू, पहले आप पहले आप। मेरी ट्रेन निकल जाएगी लखनऊ। आंटी जी आपके पास जरूर कोई प्लान होगा। नहीं नहीं, व्हाट, यू डोंट हैव अ प्लान? ओह माय गॉड, अब क्या करेंगे? कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ट्रक का दरवाजा खोलेंगे, सड़क पे निकलेंगे, सारे लोगों में हंगामा मचाएंगे और सारे न्यूज वाले हमारे सामने माइक रख के पूछेंगे, हेलो मिस बग्जी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बग्गा जी, यू आर अ जीनियस। पहली बार ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी बंदूक होनी चाहिए थी। You're right, Toto. मुझे भी लग रहा है कि जो बात ठाई ठाई में है वो बातचीत नहीं है। NDTV, CNN, पूरी मीडिया यहाँ है, सारी देश की जनता हमें देख रही है। एलेक्स, बात करो। जाइए जाइए, आपकी कमी थी। कहा हुआ अलेक्स? अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? स्टेज फ्राइट डूड, गिव मी अ मिनट। स्टेज फ्राइट, तुम रिमेम्बर, यू आर अ कलाकार, कम ऑन। देखो इन्हें, ये है जंगल से भागे, पेड़ों की छाव से निकल के है जागे, आए यहाँ है मुश्किलों से बच कर, हथेली पे अपनी जान को रख कर, खो न जाए ये जानवर जमीन पर। ना खेता जाके हरी मिर्च खा गया है। कभी नसीरेपन में गारा भैया। दिल्ली पहुंची गया, हमला मेरे को तो फुल कॉन्फिडेंस था। डायरेक्शन किसने दिया था? अपने मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। मेरा चैन वैन सब उजड़ा, जालिम नजर हटा ले। बर्बाद हो रहे हैं अब ये जंगल वाले, इनकी उम्मीदें ना टूटे। तू आजा,
आ जा रे पार्लियामेंट वाले भैया, आ जा रे पार्लियामेंट वाले भैया। अरे गुरु जैसा बंदर कहाँ? वो टीवी के अंदर। वो बंदर नहीं है, गुरु खुद हैं। मैंने कहा था गुरु वहाँ पहुँचेंगे। तुम कब कहे बे? अब जब तुम सुने नहीं रहे। छोड़ जाओ, छोड़ जाओ, ये क्या कर रहा है? अरे ये याद कर हगी वगी, याद कर हगी वगी, हगी वगी। फाड़ भी गया तुम्हारा हगी और फाड़ भी गया तुम्हारा वगे। तुम हमारा मजाक उड़ा रहा है, लोग हमारे में हंस रहे हैं। छोड़ो, व्हाट आर यू डूइंग? ये ठीक कह रहा है इलू, ये नौटंकी करके तू हमारे मकसद का कमजोर काहे कर रहा। मैं पहले सीरियस लेक्चर देता ना तो इंडिया की सारी जनता मिस्टर इंडिया हो जाती, समझे? मजा आया एक तोते को गाते हुए सुनकर? जी भर कर हंस लिया? मेरे गाने पे तो सब हंसे, लेकिन क्या किसी ने सुना मैंने क्या गाया? किसी को एहसास हुआ कि एक तोता, एक बंदर, एक तेंदुआ उसका बच्चा और एक भालू दिल्ली के पार्लियामेंट के बाहर कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे? ऐसी क्या मुसीबत उन्हें यहां तक ले आई? या फिर किसी को हंसने से फुर्सत ही नहीं मिली कि हमारा दर्द पहचाने? तो आप ही हमें बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? बताऊंगा, लेकिन तब जब इस पार्लियामेंट में से कोई ऐसा इंसान यहां आएगा जो हमारी मदद करने की ताकत भी रखता हो और नियत भी। इस वक्त सारा देश इन जानवरों की कहानी जानना चाहता है। पार्लियामेंट हाउस right now. हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में हंगामा मचा हुआ है। आज होने वाले ट्रस्ट वोट को भी रोका गया है। आई रिपीट, द ट्रस्ट वोट हैज बीन स्टॉप्ड। सास और बहू को छोड़कर हर सास और हर बहू इस वक्त पार्लियामेंट के बाहर रुके इन जानवरों पे नजर टिकाए बैठे। वी हैव बीन हियर फॉर मेनी आवर्स एंड वी हैव बीन वेटिंग आउटसाइड द पार्लियामेंट हाउस ओनली टू नो वेदर समवन फ्रॉम द पार्लियामेंट इज एक्चुअली गोइंग टू हियर दिस एनिमल। आई हैव गॉट ब्रेकिंग न्यूज़, सुनने में आया है कि खुद प्रधानमंत्री जी इन जानवरों की बात सुनने बाहर आने वाले हैं। अब तक बहस चल रही थी लेकर टाडा और पोटा, लेकिन अब सबकी जुबान पर है एक भालू, एक बंदर, दो तेंदुए और एक तोता। कहिए, कहिए जो आपको कहना है। बोलो एलेक्स, बोलो, पहुंचाओ हमारी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों तक। हम आपको यहां ये बताने आए हैं कि हर इंसान की जान खतरे में, करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर, परिवारों पर हमला करने वाले। आपका घर, आपका परिवार, आपकी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक एक करके हम सबको मारेंगे। अब एक ऐसी जंग होगी कि इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों चौंक गए? गुस्सा आया? डर गए खुद के लिए, अपने घरों के लिए, अपने अपनों के लिए? शायद अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि हम पर क्या बीती है, क्योंकि हमला हम आप पर नहीं, आप हम पर कर रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से बंदूकों से, बुलडोजर से, पॉल्यूशन से, जंगलों को काटने से, जानवरों को मारने से, घर में खेलने के लिए एक कुत्ता टॉमी, एक तोता मिट्ठू या एक बिल्ली पालते हो, लेकिन करोड़ों जानवरों को उनकी खाल, उनके दांत, उनके अलग अलग हिस्सों के लिए मारते हो। क्या हमारा घर घर नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी जान जान नहीं है? क्या कसूर है इस छोटे बच्चे का कि इस किताब को मार दिया गया, कि जिस उम्र में इसे खेलना चाहिए, हंसना चाहिए, ये अपना घर बचाने हम सबको इकट्ठा करके दिल्ली ले आए ताकि हम इंसानों से अपने जंगल, अपने दोस्तों के लिए भीख मांग सके। लेकिन जब हम यहां पहुंचे, सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ बंदूकों से, मारो मारो किनारों से। अरे जंगल से आए तो हम हैं, पर जानवर तो तुम इंसान हो, जिनका हर बात के लिए पहला रिएक्शन ही होता है एक्शन। जब हम घर से निकले थे तब दिल्ली बहुत दूर था, लेकिन हम सब इतनी दूर सिर्फ दिल्ली पहुंचने नहीं आए थे, आपके दिलों तक पहुंचने आए थे। और अगर हम वहां पहुंचने में जरा से भी कामयाब हुए
तो बंद कीजिए जंगलों को उखाड़ना, बंद कीजिए लड़ना झगड़ना। आज एक साथ मिलकर हल्ला बोलिए जंग के खिलाफ, नफरत के खिलाफ। सिर्फ एक जंगल के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हेलो फ्रेंड्स।